तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट बच्चों आपके पास एक पी गिवन है, एक क्यू गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक करेक्शन भी है कि यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर फंक्शन आपके पास गिवन होना चाहिए था, तो फंक्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो वो फंक्शन मैंने आपको लिख करके दे दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। फंक्शन आप लोगों को सबको नजर आ रहा है, मैं दोबारा इंडिकेट करता हूँ। तो बच्चों ये फंक्शन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ये है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपके पास गिवन डाटा, यानी फंक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपके पास गिवन है फंक्शन। अब बच्चों आपको क्या करना है, पी और क्यू को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो काफी आसान है। तो बच्चों एक बार क्या करो, एफ एक्स की वैल्यू आप जानते हो, यहाँ पुट कर दो, तो पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो बच्चों पुट करके जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको डाटा खुद समझ में आने लगेगा। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ये जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों आप इसको करते चले जाइए, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो करते हैं तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, तो यहां से तो कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब बच्चों इसका पहले वाले पार्ट का, यानी कि जो आपका पहला वाला पार्ट है, यानी कौन सा पी वाला पार्ट है, पी वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, तो वहां से कोई भी रियल रूट आपका नहीं निकल पाएगा। अब बच्चों आप बारी होती है क्यू वाले पार्ट की। तो बच्चों ये देखो, ये क्यू वाला पार्ट मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये क्यू वाला पार्ट है। तो क्यू वाले पार्ट में जो फंक्शन है आपका वो गिवन है, वो गिवन है टू एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स टाइम्स वन प्लस एक्स। तो बच्चों जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी आपको उस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगेन साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो जीरो से वन के बीच में लाई करता है, तो हम इसको यहाँ पे लाई कराएंगे। लाई कराने के बाद जो है हम इसके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जब यहां से हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहां से आपके पास एक रियल रूट निकल करके आ जाएगा, वो रियल रूट आपका ये होगा, ठीक है। तो बच्चों एक रियल रूट आपका निकल करके आ जाए, तो वो रियल रूट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो रियल रूट आप लेंगे वो कौन सा रियल रूट होगा, जो हाफ से बड़ा होगा। तो बच्चों हाफ से बड़ा रूट कौन सा होगा, वो यही वाला होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्यू तो ट्रू है ही, क्योंकि उसका एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है। तो उसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी पार्ट, कि पी फॉल्स है लेकिन क्यू ट्रू है। अब आप पूरा सॉल्यूशन एक साथ एक स्क्रीन पे देख लीजिए ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। तो बच्चों मैं स्क्रीन पे आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो अब आप पूरे सॉल्यूशन को ढंग से देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आई थिंक अब आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होगी विजिबल स्क्रीन। थैंक यू।